हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने आज जो है इंग्लिश मीडियम की जो 12th ज्योग्राफी है उसके अंदर चैप्टर 12 जो है वो कर रहे हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, जो है उसके बारे में अपने स्टडी जो है वो चल रही है। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो इसके अंदर अपने इन्वायरमेंट के बारे में जाना और अपने जो एयर पोल्यूशन है उसके बारे में लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा गया। वाटर पोल्यूशन जो है उसकी डेफिनेशन के बारे में अपने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा। तो वाटर पोल्यूशन जो है उसको अपने पढ़ रहे थे कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है। वाटर पोल्यूशन, तो वाटर पोल्यूशन के लिए अपनी डेफिनेशन आई थी भी अपने जो अनडिजायरेबल जो चेंज होता है, जैसे में फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल जो कंपोजिशन होती है उस केमिकल कंपोजिशन के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज या एनिमल एक्टिविटीज के कारण उसमें चेंजिंग हो जाती है और उस चेंजिंग होने के कारण जो क्वांटिटी बढ़ती है उस क्वांटिटी से अपने वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा ह्यूमन जो एक्टिविटी है वो ह्यूमन एक्टिविटी अपने जो है वो वाटर पोल्यूशन को ज़्यादा इफेक्ट करती है। भाई वाटर पोल्यूशन जो होता है उस वाटर पोल्यूशन को इफेक्ट करती रहती है और उससे अपने जो इफेक्ट है इसका बढ़ता जाता है। तो वाटर पोल्यूशन से अपने लगातार पोल्यूशन हो रहा है। अब ये जो पोल्यूटेड अपने वाटर है, ये पोल्यूटेड वाटर लोगों के पास पहुंच रहा है, लोगों पे पहुंच रहा है, तो इसको अपने जो क्रिएचर्स हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमंस इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इन क्रिएचर्स और ह्यूमंस जो ये पोल्यूटेड वाटर यूज़ कर रहे हैं तो इससे इनके अंदर काफ़ी डिजीजेज जो हैं वो हो सकती है, जैसे कलोरा है, जॉन्डिस है, इस टाइप की जो अपने डिजीजेज हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो देखिए वाटर पोल्यूशन जो है, अब जैसे डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ है, रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, डिफरेंट यूज ऑफ एटॉमिक पावर है, भी वाटर पोल्यूशन के अपने केज क्या हैं। भी वाटर पोल्यूशन के केज केज की अगर बात करें भी केज क्या है, कारण क्या है इसके, भी कारण क्या हुआ, वाटर पोल्यूशन होने का कारण क्या हुआ, केज जो है वो क्या हुए इसके। तो केज के अंदर देखिए अपने आ जाती है बात, जैसे डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, भी सिटीज का डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट के कारण भी अपने वाटर पोल्यूशन हो रहा है। रैपिड ग्रोथ हो, ग्रोथ इन इंडस्ट्रीज, रैपिड ग्रोथ इन इंडस्ट्रीज जो है, रैपिड ग्रोथ हुई है इंडस्ट्रीज के अंदर, उस इंडस्ट्रीज में रैपिड ग्रोथ होने के कारण भी ये हो रहा है। डिफरेंट यूजेज ऑफ एटॉमिक पावर, डिफरेंट यूजेज ऑफ एटॉमिक पावर, एटॉमिक पावर जो है, एटॉमिक पावर का डिफरेंस यूजेज जो है वो होने लगा है। तो उस डिफरेंसेज यूजेज होने के कारण भी अपने जो है वाटर पोल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा इंक्रीज इन यूज ऑफ केमिकल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो केमिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनका इंक्रीज हुआ है, तो इससे अपने वाटर पोल्यूशन जो है वो हो रहा है। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे, भी एक सर्वे जो है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अपने अकॉर्डिंग टू ए सर्वे अराउंड 3000 करोड़ टू 4000 करोड़ लीटर्स ऑफ डर्टी वाटर फ्रॉम अराउंड 300 सिटीज एंड टाउन्स एक्सप्लोटेड इन टू द रिवर्स डेली, यानी 4000 से लेके 3000 से लेके 4000 करोड़ लीटर अपने डर्टी जो वाटर है वो वाटर अपने 300 सिटीज के अंदर डेली जो है इसका एक्सप्लोड किया जाता है, यानी डेली इसको वितरित किया जा रहा है, डेली बांटा जा रहा है 300 सिटीज में। तो दिस हैज कॉज्ड द वाटर पोल्यूशन इन रिवर एंड लेक्स ऑफ रीच इज मैक्सिमम लेवल। तो अपने अब देख सकते हैं अभी जो वाटर पोल्यूशन है वो रिवर्स में या लेक्स में काफ़ी मैक्सिमम अपने पहुंच चुका है। व्हेन इवन वाटर फ्रॉम प्योरेस्ट रिवर लाइक गंगा एंड यमुना इज नॉट क्लीन इनफ टू यूज, भी अपने प्योरेस्ट जो रिवर्स मानते हैं इंडिया की गंगा और यमुना को, वो गंगा यमुना भी अब क्या है प्योर नहीं रही है, या नॉट क्लीन जो है इसका वाटर नहीं रहा है, और ये भी अब वाटर पोल्यूशन के कारण अपने पानी जो है वो पोल्यूटेड हो गया है। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट फ्रॉम यूएनए, यूएनए की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार जो अपने
अनक्लीन वाटर है या फ्रेश वाटर जो है, उस फ्रेश वाटर की अगर बात करें या बिना फ्रेश वाटर के भी जो अनक्लीन वाटर है और फ्रेश वाटर जो उनको नहीं मिल रहा, उस वाटर की वजह से 2,300 पीपल डेली ड्यू टू डायरिया, यानी उनको डेली जो है 2,300 पीपल ऐसे हैं। ये एक रिपोर्ट आई है यूएनओ की। किसने क्या की दी है रिपोर्ट? यूएनओ ने दी है। तो यूएनओ क्या कहता है, अभी जो अपने इनको क्या है, एक तो क्लीन वाटर नहीं मिलता, क्लीन एंड फ्रेश वाटर नॉट अवेलेबल, अवेलेबल नॉट अवेलेबल। तो इनको क्या है, क्लीन और फ्रेश वाटर जो है वो नॉट अवेलेबल है, पानी नहीं मिल पाता है। एक रिपोर्ट है यूएनओ की, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहते हैं भी 2,300 पीपल जो हैं वो डायरिया से, यानी उनको क्या है, डायरिया होता है। 2,300 पीपल को डेली डेली होता है डायरिया, और डायरिया डायरिया जो है उसके कारण डाइंग हो जाते हैं, मर जाते हैं डायरिया से डेली। 2,300 लोग हैं वो। तो ये रिपोर्ट कौन देता है? ये रिपोर्ट देता है यूएनओ देता है, ठीक है। तो यूएनओ ये रिपोर्ट देता है। तो अपने देखिए, जो सी वाटर है, रिवर्स का वाटर जो है वो काफी पोल्यूटेड हो चुका है, और ये लगातार जो पोल्यूटर होता जा रहा है, इसके अंदर जैसे अपने केमिकल एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं उससे भी पोल्यूट होता है, अपना जो होम का सीवेज वगैरह जो होता है वो भी अपने इसमें डाल देते हैं तो उससे भी होता है, हाउस होल्ड अपने जो कचरा जो होता है उसको भी, अपने वेस्टेज जो है उसको उसमें डाल दिया जाता है, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो है वो वाटर के अंदर, रिवर्स के अंदर डाल दिया जाता है, तो उसकी वजह से भी अपने वाटर पोल्यूशन होता है। ये इसके केस होते हैं। केस के बाद अपने आगे बात करेंगे वाटर सोल्यूशन या वेज ऑफ टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन या वेज ऑफ कंट्रोल वाटर सोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। आगे आएगा वाटर पोल्यूशन में वेज टू कंट्रोल, वेज टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। वेज क्या है, कंट्रोल करने के वाटर पोल्यूशन को, भी वाटर जो पोल्यूशन है इस वाटर पोल्यूशन को अपने कंट्रोल किस वे के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या क्या वे है जिससे अपने अकॉर्डिंग करके चल सकते हैं। तो देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो पहला इसके अंदर वे क्या आता है, एक तो आता है जो सीवेज ट्रीटमेंट किया जाए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो लगाए जाए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है ये लगाए जाएं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स शुड बी स्टेबलाइज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ वाटर एंड सीवेज इन ऑल द टाउन्स, यानी जो अपने डिस्पोजल ऑफ वाटर है जितना भी टाउन्स हैं उन टाउन्स के जहाँ पे सीवेज जाता है वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाया जाए, स्टेबलाइज किया जाए। सेकेंड इसमें आता है इन प्लेस ऑफ केमिकल फार्मिंग, यानी केमिकल फार्मिंग की जगह है कि अपने क्या करनी चाहिए, इन प्लेस ऑफ केमिकल फार्मिंग। अब केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, और केमिकल फार्मिंग जो है इसके प्लेस पे क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन ऑर्गेनिक कल्टीवेशन शुड बी इंक्रेज्ड, शुड बी इनकर्ज्ड, इनक्रेज्ड, ठीक है। शुड बी इनक्रेज्ड जो है इसको अपने इनक्रेज्ड किया जाना चाहिए, इंक्रेज्ड जो है वो किया जाना चाहिए। केमिकल जो अपनी फार्मिंग हो रही है उसकी जगह है अपनी जो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन है, उस ऑर्गेनिक कल्टीवेशन को अपने बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो ये भी हो सकता है। तीसरा क्या है, जो इंडस्ट्रीज इफ्लुएंट शुड बी ट्रीटेड एंड रीयूज्ड अगेन देयर इम्पोज्ड वाटर, जो अपने इंडस्ट्रीज जो है इंडस्ट्रीज के अंदर जो वाटर यूज किया गया है उस वाटर को यूज करने के बाद में दोबारा से उसका रीयूज किया जाए, यानी उसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए, और ट्रीटमेंट करके दोबारा से इसको रीयूज कर लिया जाए।
फोर्थ इसमें आता है कंप्लीट बैन ऑन थ्रोइंग एनिमल्स कार केजेस, यानी एनिमल्स जो है उन एनिमल्स को रिवर्स में फेंकना जो है उसको बंद कर दिया जाए, एंड इलेक्ट्रिक कर्मनी शुड बी स्टेबलाइज, जो अपने ये जो एनिमल्स है इन एनिमल्स को बर्न करने के लिए या जितने भी अपने हैं जैसे अस्थियाँ वगैरह चिराने जाते हैं रिवर्स वगैरह में, तो उनको बंद कर दिया जाए, उनकी जगह पर जो इलेक्ट्रॉनिक अपने दाह संस्कार होते हैं, ठीक है, सारे कैरेमोट्रीज कहा जाता है जिनको, वो अपने यहाँ पर स्थापित कर लिया जाए। तो इस टाइप से अपने इसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। इसी लेसन के अंदर एक 300 नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया है, 300 नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च। ये प्रोजेक्ट लॉन्च क्यों किया गया, ये प्रोजेक्ट इसलिए लॉन्च किया गया भाई जो गंगा रिवर है उस गंगा रिवर के अंदर जो अपने पोल्यूशन हो रहा है उस पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नमामि गंगे जो है ये प्रोजेक्ट बनाया गया। तो इंडिया लॉन्च डे प्रोजेक्ट कॉल्ड नमामि गंगे, एक प्रोजेक्ट जो है वो किया जिसको नमामि गंगे कहते हैं, टू क्लीन गंगा वाटर, इसलिए जो गंगा का वाटर है उसको क्लीन करने के लिए, टू मेक इट सक्सेसफुल 300 प्रोजेक्ट वेयर लॉन्च, इसको सक्सेसफुल करने के लिए 300 अपने प्रोजेक्ट साथ में लगाए गए, एंड विद एम ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा एंड प्लांटिंग द ट्रीज एट द एज ऑफ रिवर्स, भी जितनी भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज को अपने मॉडर्नाइजेशन किया जाए ऑल इंडस्ट्रीज के अंदर, और जो अपने रिवर गंगा रिवर की बैंक्स के ऊपर है, और जो प्लांटिंग ट्रीज वगैरह जो है उनको भी यहाँ पे लगाया जाए जो इसके एजेस आते हैं रिवर्स के उस एजेस के ऊपर लगाकर उसके बाद अपने जो है सॉल्यूशन किया जाए इसका। तो इस सॉल्यूशन के लिए यानी जो पोल्यूटेड वाटर हो रहा था, इस पोल्यूटेड वाटर को सुधारने के लिए गंगा के नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया था, ये सेंट्रल सरकार ने लॉन्च किया था। और नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है इसके बाद में आगे अपने आता है साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के बाद अगला आता है साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन, ठीक है, साउंड पोल्यूशन आता है। साउंड पोल्यूशन में देखिए साउंड पोल्यूशन क्या होता है, जब तक अपने कानों को, सीधी सी बात है अभी साउंड पोल्यूशन क्या होता है, जब तक अपने कानों को कोई भी आवाज मधुर लगे, ठीक है, मधुर लगे तो वो तो होती है ध्वनि, और जब वही आवाज अपने कानों के अंदर दर्द उत्पन्न कर दे, एकदम से कर्कशता आए या अचानक से ऐसे लगे भी बहुत ज्यादा शोर हो गया आपके कान के अंदर, पर्दे फटने लग गए हैं, ठीक है, तो वो जो कंडीशन होती है वो होती है अपने साउंड पोल्यूशन की, या उसे कह देते हैं साउंड पोल्यूशन। सुनते ही हैं अपने भी आराम से, आप कोई गाना सुन रहे हो, टीवी चला रहे हो, तो वो तो अपने पोल्यूशन में आता है। अब वो आती है ध्वनि में, साउंड में, यानी उसे कहते हैं साउंड, भी आराम से सुन रहे हैं उसको। ऐसे ही क्या होता है, जैसे अपने विवाह शादियाँ देखी होंगी आपने, मैरिज सेरेमनी वगैरह में, तो मैरिज सेरेमनी के अंदर डीजे वगैरह जो है वो चलते हैं काफ़ी हाई वॉल्यूम के अंदर चलते हैं, तो वो हाई वॉल्यूम में जब चलते हैं तो वो एक टाइप से वो जो है साउंड पोल्यूशन के अंदर आता है। ऐसे ही जैसे कई बार जेट प्लेन्स जो हैं वो अपने जाते हैं, ठीक है, एटमोसफेयर से गुजरते हैं जेट प्लेन्स, तो जेट प्लेन्स जब जाते हैं तो उन जेट प्लेन्स के जाने से या गुजरने से काफ़ी तीव्र आवाज़ निकलती है, यानी तीखी आवाज़ निकलती है उससे, तो वो जो तीखी आवाज़ निकलती है उस तीखी आवाज़ से अपने को ऐसे कर्कशता सी महसूस होती है, भाई ऐसे परेशानी सी हो जाती है, ठीक है, भाई अचानक से वो आवाज़ सुनते हैं तो वो जो आवाज़ होती है वो साउंड पोल्यूशन में आती है, यानी ऐसी आवाज़ जो अपने कानों को अप्रिय लगे, यानी अपने कानों के लिए अच्छी न हो, वो आवाज़ क्या है अपने लिए साउंड पोल्यूशन है, ठीक है। ये तो अपनी सीधी सी बात कही है, भाई साउंड पोल्यूशन क्या है, देखिए, व्हेन द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एग्जिस्ट द प्लेजेंट
लेवल देन इट इज कॉल्ड नॉइज। तो उसको अपने क्या है प्लीजन लेवल तक होती है तो नॉइज कहा जाता है। नॉइज एंड अनवांटेड कंडीशंस विच कैज रेस्टलेस लेसनेस एंड टेंशन इन ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड एज साउंड पोल्यूशन। यानी क्या होगा, केज होगा, रेस्टलेसनेस होगी उसकी, और टेंशन जो है वो ह्यूमन के अंदर जो कर देगा तो उसकी वजह से रेपिडली ये इंक्रीज होता जाएगा और उससे अपने जो है साउंड पोल्यूशन हो जाएगा। साउंड पोल्यूशन हैज बिकम ए सीरियस प्रॉब्लम ड्यू टू रैपिड इंक्रीजिंग डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बेनाइजेशन एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड साउंड एम्पलीफायर्स जो है, एम्पलीफायर्स जो है उससे। तो इन ए वेस्ट कंट्री लाइक इंडिया साउंड पोल्यूशन इज हायर देन अदर कंट्रीज। भी अगर इंडिया की बात करें तो अदर कंट्रीज के मुकाबले अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर ज़्यादा साउंड पोल्यूशन देखने को मिलता है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड पोल्यूशन इज साउंड इज डेसीबल। यानी जो साउंड है इस साउंड के जो यूनिट आती है मेजरमेंट की, उस मेजरमेंट की यूनिट को मेजरमेंट यूनिट ऑफ साउंड जो है, यानी मेजरमेंट यूनिट ऑफ साउंड जो है वो क्या है, डेसीबल। डेसीबल साउंड को जो मेजरमेंट किया जाता है वो डेसीबल यूनिट से किया जाता है, उसको डेसीबल में मापा जाता है। अब भाई देखिए, द साउंड इंटेंसिटी फ्रॉम 80 to 120 डेसीबल। साउंड की जो इंटेंसिटी है वो 80 से लेके 120 डेसीबल है। 120 डेसीबल्स कम्स अंडर साउंड पोल्यूशन। तो वो किसके अंदर आएगी, साउंड पोल्यूशन के अंदर में आएगी, साउंड पोल्यूशन में जाएगी। व्हेन द साउंड बिकम्स मोर देन स्टैंडर्ड लेवल एंड इफ इट अफेक्ट्स एडवर्सरी ऑफ ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल मेंटली और फिजिकली देन इट इज कॉल्ड साउंड पोल्यूशन। यानी क्या करेगा, ये जो एक कोई पीपल है, पर्सन है उसकी, या उसका जो ग्रुप है उस ग्रुप को मेंटली और फिजिकल रूप से उसको जो परेशानी होती है, तो वो परेशानी होने के कारण उसको अपने साउंड पोल्यूशन कह दिया जाता है, वो होता है साउंड पोल्यूशन में। आगे आते हैं इसके रीजंस बिहाइंड साउंड पोल्यूशन। रीजंस क्या है साउंड पोल्यूशन के पीछे, साउंड पोल्यूशन हो रहा है तो इस साउंड पोल्यूशन के बढ़ने के पीछे रीजन क्या है। रीजंस बिहाइंड साउंड पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन जो है इस साउंड पोल्यूशन के पीछे, साउंड पोल्यूशन तो साउंड पोल्यूशन के पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे चलने का या इसके पीछे होने के रीजन क्या है, क्या किन रीजन के कारण जो है साउंड पोल्यूशन हो रहा है। तो नॉइज फ्रॉम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन से आता है, फ्रॉम स्पीकर्स, स्पीकर से होता है, फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फ्रॉम एयरप्लेन्स एंड जेट प्लेन्स आर द मेन सोर्स ऑफ साउंड पोल्यूशन। ये जो है इसके मेन सोर्स आते हैं। देयर इज अनदर थिंग ऑल्सो विच एड्स एड्स अननेसेसरी क्रिएट नॉइस। यानी एक अदर जो एड है वो इसको एड किया जाता है इसमें, और दिस इज मैन मेड, दिस इज मैन मेड नॉइज एट रिलीजियस प्लेसेस। तो जो अपने क्या है मैन मेड जो पोल्यूशन है वो आता है जो रिलीजियस प्लेसेस है उनके ऊपर। पीपल अननेसेसरी क्रिएट नॉइज, लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं तब बहुत ज़्यादा शोर करने लग जाते हैं। जिस क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वो जब कोई टीचर नहीं होता है क्लास में तो वो जब आपस में बात करते हैं तो उनकी बातें करते करते उनकी आवाज़ जो है वो कक्षा से बाहर ऑफिस तक पहुंच जाती है। ऑफिस आए किसी भी कोने में हो उस कोने तक आवाज़ पहुँचा देते हैं। तो जैसे ही लोग इकट्ठे होते हैं तो उन लोगों के इकट्ठे होने की वजह से जब उनकी जो आवाज़ निकलती है उस आवाज़ की वजह से क्रिएट होता है नॉइज। एंड ये तो नॉइज अपने पोल्यूशन होता है वो क्या करता है, अपने जो चिल्ड्रन हैं उनको डिस्टर्ब करता है, स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिस्टर्ब करता है, उनके स्टडी को डिस्टर्ब करता है, ओल्ड पर्सन्स हैं या सिक पीपल जो हैं उनको भी बैडली ये इफेक्ट करता है। तो ये साउंड पोल्यूशन के इफेक्ट रीजंस आते हैं इसके पीछे। आगे आता है इफेक्ट्स ऑफ साउंड पोल्यूशन।
इफेक्ट्स ऑफ साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या है, इफेक्ट्स ऑफ साउंड पोल्यूशन। साउंड जो पोल्यूशन हो रहा है, इस साउंड पोल्यूशन के होने के पीछे इफेक्ट्स क्या हैं, क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं इसके, तो वो इसमें ऐड किया जाएगा भी, साउंड पोल्यूशन का इफेक्ट जो है। अब इफेक्ट देखिए क्या होता है, साउंड पोल्यूशन जो होता है इसके अपने एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं ह्यूमन जो ब्रेन होता है उसके ऊपर भी, ह्यूमन ब्रेन पे एडवर्स इफेक्ट इसके ज्यादा पड़ेंगे। दिस कैन इरिटेटिव, यानी इसको क्या है, इरिटेटिव कर देंगे। डिफेंस एक्सेसिवली लाउड साउंड कैन परमानेंटली डैमेज हियरिंग कैपेसिटी एंड विच केज इज द इफेक्ट पर्सन टू बिहेव लाइक ए ल्यूनेटिक, तो उनका जो बिहेव है उस बिहेव को भी ये इफेक्ट करता है। तो जैसे ये अपने ज़्यादा साउंड सुनते हैं जो बच्चे या जो व्यक्ति भी, अब तेज़ आवाज़ के अंदर जो गाना वगैरह सुनते हैं उनको अगर आप धीरे से बोलोगे तो उनको सुनाई नहीं देगा, तो ये साउंड से इनको ये इफेक्ट पड़ता रहता है। इसके अलावा जो ह्यूमन ब्रेन होता है उस ह्यूमन ब्रेन को भी इफेक्ट करता है साउंड पोल्यूशन, तो ये इसके इफेक्ट पड़ते हैं साउंड पोल्यूशन के। इफेक्ट के बाद में ये साउंड पोल्यूशन के अपने इफेक्ट आ गए, आगे आता है सोयल पोल्यूशन। इफेक्ट के बाद में इसके सोयल पोल्यूशन आता है, सोयल पोल्यूशन साउंड पोल्यूशन के बाद अगला आता है अपने सोयल पोल्यूशन। सोयल पोल्यूशन सोयल पोल्यूशन देखिए सोयल पोल्यूशन में क्या होता है, इसमें भी वही होगी क्वालिटी, यानी इसकी जो नेचुरल क्वालिटी जो है उस नेचुरल क्वालिटी के अंदर कुछ चेंजिंग हो जाना, सोयल की नेचुरल क्वालिटी जो है या नेचुरल जो क्वांटिटी है उसमें ह्यूमन बींग के द्वारा हो सकता है, ह्यूमन बींग की जो एक्टिविटी है उसके द्वारा हो सकता है, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर से भी पोजिशन भी थोड़ा चेंज हो जाता है, तो वो अपने सोयल पोजिशन में आता है। तो द डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ सोयल ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन, यानी ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज ऑफ क्वालिटी, डिक्रीज ऑफ क्वालिटी ऑफ सोयल ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज कॉल्ड सोयल पोल्यूशन, इसको सोयल पोल्यूशन कह देते हैं, लैंड पोल्यूशन कह देते हैं, ठीक है, सोयल पोल्यूशन कहा जाता है। अब पोल्यूशन ड्यू टू सोयल पोल्यूशन देयर इज डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड, यानी इस सोयल पोल्यूशन से क्या होता है, जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी लैंड की, फर्टिलिटी लैंड जो है वो फर्टिलिटी इसकी क्या है, चेंज हो जाती है, ड्यू हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, उत्पादन देना बंद कर देती है। इट हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस द ग्लोब, भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर काफ़ी ये हार्म करती हैं, इफेक्ट डालती हैं जो सोयल पोल्यूशन होता है इसकी वजह से। आगे आता है मेजर केजेज ऑफ सोयल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन बोल देते हैं जिसे, मेजर केजेज ऑफ सोयल पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन जो है इसके मेजर केजेज क्या हैं, इसके पीछे होने के मेन कारण जो है वो क्या है सोयल पोल्यूशन होने का। तो सोयल पोल्यूशन होने के मेजर केजेस की बात करें तो देखिए लैंड पोल्यूशन जो है कॉज्ड बाय एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, एक तो क्या है जो केमिकल फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, एक तो केमिकल जो फर्टिलाइजर्स है इनका यूज हो रहा है एग्रीकल्चर में, पोल्यूटेड वाटर इंडस्ट्रीज का जो पोल्यूटेड वाटर है वो इन इफेक्ट इन
इफ्लुएंट्स इफ्लुएंट्स रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, पोल्यूटेड वाटर जो है वो इंडस्ट्रीज से आता है, इफ्लुएंट्स फ्रॉम सिटीज एंड मेट्रो सिटीज, फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब, भाई पंजाब के अंदर जो केमिकल फर्टिलाइजर उनका काफ़ी उपयोग होता है, तो उसके कारण अब वहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो लैंड जो पोल्यूशन है उसकी एक बिगेस्ट चेंज आया है वहाँ पे जो रेजिडेंस कर रहे हैं लोग उनके अंदर। और सिमिलरली एंड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन इन चाइना, भी चाइना के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर पोल्यूटेड वाटर, एक तो पोल्यूटेड वाटर हो गया, दूसरा जो लैंड थी उस लैंड के भी अंदर पोल्यूशन जो है वो बढ़ गया। तो ये जो है अपने सी है, सोयल है, इन सब पोल्यूशन को अपने इफेक्ट करता है, वाटर पोल्यूशन जो है उससे भी हो जाता है। तो लैंड पोल्यूशन जो है, इस लैंड पोल्यूशन के कारण जो लैंड की फर्टिलिटी होती है या उसकी जो नेचुरल उसका जो संगठन होता है वो संगठन जो है वो इफेक्ट होता है। आगे आते हैं इफेक्ट ऑफ सोयल पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ सोयल पोल्यूशन। सोयल पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ सोयल पोल्यूशन। अब देखिए सोयल पोल्यूशन जो है इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं। देयर इज कंटिन्यूस डिक्रीज इन अरेबल लैंड एक्सटेंट, यानी इनकी जो अरेबल लैंड जो है उसका एक्सटेंट जो है वो हो जाता है। मेजर डिजीजेज केज्ड बाय दिस आर डायरिया, कोरलिस, कलोरा एंड आई डिजीजेज हैं, एंड ट्यूबरक्यूलोसिस जो है वो इससे होती है। सोयल पोल्यूशन गिव्स राइज टू अदर एनवायरमेंट पोल्यूशन, अदर जो एनवायरमेंट पोल्यूशन है उनको भी बढ़ाता है। एंड लैंड पोल्यूशन हैज़ इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ लैंड लैंडलेसनेस, तो लैंडलेसनेस की जो प्रॉब्लम है उस लैंडलेसनेस की प्रॉब्लम को भी ये इंक्रीज करता है। तो इसके कुछ ये इफेक्ट पड़ते हैं सोयल पोल्यूशन के। तो अपना जो सोयल पोल्यूशन है ये कंप्लीट होता है, आगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर कल करेंगे बाकी जो इसका पार्ट रहता है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।